टुडे, तो कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर वी हैव द केस कि हमारे को दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन दे दी जाए एंड वी वांट अ पॉइंट इन बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, मिड पॉइंट नहीं कह रहा हूं, कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट्स मांगे जाएं इन अ सर्टेन रेशियो, जो वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन को इन सर्टेन रेशियो। तो हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव तो नहीं किया था, इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, एम इन टू ये एक्स टू वाई टू है और ये एक्स वन वाई वन है। तो हम लोग ने कहा था एम इन टू एक्स टू एन इन टू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन विल गिव मी एक्स, इसी तरीके से वाई हम लिख लेंगे। तो आज उस पर हम अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखिएगा, वेरी इजी एक्सरसाइज। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। अब देखिए पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहली गलती स्टूडेंट्स ये कर देते हैं इन क्वेश्चंस में कि वो ये सोचते हैं कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है, हम कैसे भी ले लें। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द स्टूडेंट विल से कि ए और बी को ज्वाइन कर रहा है तो मैं यहाँ ए ले लूँ यहाँ बी ले लूँ, दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ बी ले लूँ यहाँ ए ले लूँ। ये वाला केस गलत हो गया क्योंकि उसने क्या लिखा है, ज्वाइन ऑफ ए एंड बी, यानी पहले ए आएगा फिर बी आएगा और ए से बी की तरफ जाते हुए किस रेशियो में तोड़ना है हमें, 2:3। मतलब ए से बी जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो 2:3 के रेशियो में हम ब्रेक करेंगे पॉइंट को। तो अगर जिस ऑर्डर में वो पॉइंट्स लिखे हैं उसी ऑर्डर में आपको भी लिखना है, क्योंकि अगर आप बी ए लिखोगे तो फिर आपको रेशियो क्या लेना पड़ेगा, 3:2 लेना पड़ेगा। ए से बी की तरफ आइए तो 2:3 होना चाहिए। तो अगर आप बी को पहले लिखोगे तो फिर आपको रेशियो अपना पलटना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया, बिकॉज दिस इज अ कॉमन मिस्टेक जो कर देते हैं लोग। ये बहुत बड़ी, देखिए देखिए देखिए, मैं बस ये कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन में जिस ऑर्डर में पॉइंट्स लिखे हैं, ए टू बी, ए से बी की तरफ जब मैं जाऊं तो मेरा पॉइंट क्या हो, 2:3 में तोड़ दे उस पॉइंट उस डिस्टेंस को। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे ले कि भाई ए और बी है तो हम बी और ए लिख देंगे, बात तो वही हुई, लाइन तो वही है, तो ठीक है लाइन तो वही है लेकिन रेशियो गलत है। आप जब ए से बी की तरफ जा रहे थे तब रेशियो क्या होना चाहिए था, 2:3। जब आप बी इज टू ए लिखोगे तो फिर आपको रेशियो फिर क्या लिखना पड़ेगा, 3:2, क्योंकि ए से बी का उसने आपको रेशियो दिया है, बी से ए का नहीं दिया है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है कि आदमी लिबर्टी ले लेता है कि वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता 2:3 तो है ही, बी से ए लिखूं या ए से बी, तो वो गलत है कॉन्सेप्ट। पहली चीज ये वो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो लेट्स रिमूव ऑल दिस। तो अब हमारा पहला चीज हमें ये समझना है कि जिस ऑर्डर में पॉइंट्स हैं हम उसी ऑर्डर में लाइन बनाएंगे, हम अपनी तरफ से उन्हें इंटरचेंज नहीं करेंगे, पहला पॉइंट। तो ठीक है, तो हमारा पहला हो गया, रफ बनाना है, कोई इसमें स्केल वेल की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। -1:7 एंड बी इज 4, -3 एंड द रेशियो गिवन इज 2:3। तो लेट द पॉइंट बी एक्स वाई, तो फॉर्मूला लिख दीजिए, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और वाई की वैल्यू क्या होगी, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अब मेरी बात क्लास ध्यान से सुनिएगा, जो इन्विजिलेटर है वो सोचेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि आपने तो कुछ बताया ही नहीं उसको कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या एक्स वन है क्या वाई वन है क्या एक्स टू है क्या वाई टू है क्या एम है क्या एन है। तो आप क्या करिए, टू सेव योर टाइम यहीं पे फॉर्मूले के वेरिएबल्स भी लिख दीजिए, एम इज टू एन यहाँ लिख दिया, एक्स वन वाई वन यहाँ लिख दिया, एक्स टू वाई टू यहाँ लिख दिया। देखिए अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि एक ही डायग्राम में मैंने दोनों चीजें कर दी, जो मेरा क्वेश्चन का था और जो मेरा फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, सब उसको समझ में आ गया कि फॉर्मूला कहाँ से आया। अब अप्लाई करिए एक्स, एम इंटू एक्स टू यानी 2:4 प्लस 3:-1, 3:-1 होल अपॉन 2+3। सेकेंड मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक मैंने बहुत सालों से देखी है स्टूडेंट्स की, कि वो क्या करते हैं, वो स्किप नहीं करते, वो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, वो ये देखते ही नहीं, वो 2 को सीधे -1 से और 3 को 4 से। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ये नहीं करना है हमें, पहली चीज। ठीक है, अब जरा देखिए जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 -3/5 विच इज 5/5 गिव्स यू 1। वाई को निकालिए, 2:-3, 3:7, मन में बोलते जाइए
जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, 2 + 3 तो कितना हो गया, माइनस का 6 प्लस का 21/5 विच इज 15/5 और आंसर है 3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, पी एक्स वाई हो गए 1,3। यानी 1,3 जो कोऑर्डिनेट है वो AOB के जॉइन को किस रेशियो में बांट रहा है, 2:3 के रेशियो में बांट रहा है। क्लास ये क्वेश्चन सर में आया, आई विल बी आस्किंग यू एवरी क्वेश्चन। ठीक, तो अब ये बेसिक क्वेश्चन था, नाउ अब हम वैरायटी लेना शुरू कर। हाँ, नहीं समझ में आया, देखिए 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 सबसे पहले तो देखिए स्टेप्स वाइज चलिए। सबसे पहले ए और बी को बना लीजिए, ये दो को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, -1, 7 and 4, -3। सेकेंड देखिए क्या रेशियो दिया है, रेशियो 2:3 दिया है, तो 2:3 लिख लीजिए। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है वो। अब जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है इसको आप याद कर ले कि x की वैल्यू कैसे निकलती है, ये x है, ये वाला x, और ये y क्या है, ये y है, तो इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, mx2 + nx1, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2 और ये हो गया m:n। तो बस जैसा फॉर्मूला कह रहा है वैसे यूज करते रहिए, m इंटू देखिए x2 और n इंटू देखिए x1 प्लस होल अपॉन m+n, इनको जोड़ दीजिए। इसी तरह जब y को निकालना हो तो m इंटू, आई यूज अ डिफरेंट कलर, m इंटू y2 और n इंटू y1, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, होल अपॉन m+n। बस सिर्फ इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, पूरे एक्सरसाइज आप देखेंगे सिर्फ ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं। अब समझ में आया आपको, ठीक है। अब ये और क्वेश्चंस मैं करूंगा तो आपको देखिएगा खुद ही समझ में आ जाएगा ये। देखिए नेक्स्ट वी ही सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। देखिए वर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब पार्ट्स, तीन पार्ट्स, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे अपनी लाइन को। मतलब ये आपकी लाइन है और ये लाइन कैसे बन रही है, बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करके लाइन बनी है, एंड दैट इज 7, -2 and 1, -5। अब इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर दीजिए, ट्राइसेक्ट कर दीजिए मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने तीन इक्वल पार्ट्स में कर लिया, अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए और इसके कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। नाउ द वर्ड टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट्स। तो मन में सोचिए जितनी ये लेंथ है, सॉरी इसको मैं कुछ ए मान लेता हूँ, ये लेंथ ए है तो ये भी लेंथ ए है तो ये भी लेंथ ए है। तो चेक करिए, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं पी पॉइंट को निकालूंगा तो मेरे लिए क्यू इनविजिबल है, मैं क्यू को देखूंगा ही नहीं, तो मेरे लिए लाइन क्या बन गई, ये ए है, ये बी है, ये पी है, क्यू विड बी इनविजिबल फॉर मी व्हेन आई एम फाइंडिंग पी। तो चेक करिए ये दूरी कितनी है, ए है, और पी से बी की दूरी कितनी है, 2a। देखिए पी से बी की दूरी क्या है, a + a 2a, तो रेशियो क्या हो गया पी के लिए, रेशियो हो गया a/2a विच इज 1/2। तो पी के लिए मैं रेशियो क्या यूज करूंगा, 1/2। नाउ आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि क्यू के लिए मैं अब क्या करने वाला हूँ, ए से बी जब जाऊंगा तो क्यू का कोऑर्डिनेट जब निकालूंगा तो फिर ए से क्यू की दूरी कितनी है, a + a कितनी दूरी है, 2a, और क्यू से बी की दूरी कितनी है, a, तो रेशियो क्या लूंगा, 2a/a, क्या रेशियो लूंगा, 2:1। तो मैंने इस क्वेश्चन को अपने दो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया, एक बार मैं 2:1 रेशियो यूज करके क्यू निकालूंगा और एक बार 1:2 रेशियो यूज करके पी निकालूंगा। क्लास ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर मैं अप्लाई करूंगा इसको, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो जब भी वो ट्राइसेक्ट बोले ध्यान से सुनिएगा, मन में जरा जवाब दीजिएगा, अगर वो बाइसेक्ट बोले मतलब क्या हो गया, बाय मीन्स टू, ये सीधे सीधे सोचिए मिड पॉइंट हो गया, बाइसेक्ट बोलेगा तो सीधे मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दीजिए, टू इक्वल हाफ्स में क्या रहा, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, इसलिए वो कभी भी बाइसेक्ट नहीं बोलता, वो मिड पॉइंट बोलता है। ट्राइसेक्ट बोलेगा तो तीन इक्वल पार्ट्स, अगर फोर इक्वल, चलिए वो आगे बताएंगे, पहले इस पे करते हैं। इतना पार्ट सबको समझ में आया, एक मिनट सृष्टि आप प्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए चली गई स्क्रीन।
अच्छा अब तो बस मेरे लिए ये ट्रिवियल सवाल हो गया, अब तो मैं क्या लिखूंगा, ये मेरा एम एस टू एन हो गया, ये एक्स वन वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू हो गया। अब बस हमें फॉर्मूला लगाना है, मन में बोलिए एम एक्स टू यानी टू इंटू वन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन यानी वन इंटू सेवन होल अपॉन एम प्लस एन। इसी तरह वाई में कैसे निकालूंगा, एम ध्यान दीजिए एम वाई टू यानी टू इंटू माइनस फाइव प्लस एन इज वन वन इंटू वाई वन माइनस टू होल अपॉन टू प्लस वन। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा नाइन अपॉन थ्री विच इज थ्री एंड दिस इज माइनस टू और माइनस टेन माइनस ट्वेल्व बाई थ्री इज माइनस फोर। तो यानी ये जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या निकल के आए, थ्री कॉमा माइनस फोर। एंड सिमिलरली आई कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर, वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर पी। पी के लिए क्या करूंगा, एक्स ये क्या हो गया एक्स वन वाई वन, ये हो गया एम एस टू एन, ये हो गया एक्स टू वाई टू। तो ठीक है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एम इंटू एक्स टू, एम है वन एक्स टू है वन प्लस एन एक्स वन, एन है टू एक्स वन है माइनस टू होल अपॉन एम प्लस एन वन प्लस टू। सॉल्व कर दीजिए इसे, वन माइनस फोर माइनस थ्री अपॉन थ्री विच गिव्स यू माइनस वन। सिमिलरली वाई को आप निकालिए, एम वाई टू एम है वन वाई टू है माइनस फाइव वन इंटू माइनस फाइव प्लस एन वाई वन यानी टू इंटू माइनस टू। बस ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा और साइंस का ध्यान रखिएगा, टू प्लस वन इज थ्री। तो सॉल्व करिए कितना आएगा, माइनस फाइव और माइनस फोर माइनस नाइन, माइनस नाइन अपॉन थ्री इज माइनस थ्री। तो यानी पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, माइनस वन माइनस थ्री। तो आपको पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक ठीक। तो आप एक बात समझिए, मेरी बात समझिएगा, अगर वो ट्राइसेक्ट बोलेगा तो कितने पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे, दो। अगर वो कहेगा फोर पार्ट्स में डिवाइड करो, इफ ही आस्क्स यू कि डिवाइड योर द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इन फोर इक्वल पार्ट्स, इन फोर इक्वल पार्ट्स, तो एक दो तीन। तो यानी हमें पी क्यू और आर तीन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो मन में सोचिए पी का रेशियो क्या होगा, जब पी निकालूंगा तो रेशियो क्या होगा, एक सेकेंड, सबको नहीं आ रही है कि कुछ को नहीं आ रही है, आ रही है, हो सकता है नेट का इश्यू हो। हाँ तो देखिए, हाँ देखिए, तो जब p का हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो द रेशियो दैट वी विल कंसीडर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वन इज टू थ्री। और q का होगा तो टू इज टू टू या सेम एज विच इज सेम एज वन इज टू वन। तो q आपके लिए क्या बन गया, मिड पॉइंट नहीं बन गया, q बिकम्स द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। और r को जब निकालूंगा तो रेशियो क्या होगा, थ्री इज टू वन। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आपको मिले कि वो अपनी लाइन को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, उसका आपको कॉन्सेप्ट आ गया। जितने भाग में वो कहेगा, ट्राइसेक्ट कहेगा तो दो पॉइंट्स निकालिए, चार पार्ट्स में डिवाइड करने को बोलेगा तो थ्री पार्ट्स निकालिए, अगर फाइव पार्ट्स में बोलेगा तो फोर पार्ट्स फोर पॉइंट्स निकालिए। और रेशियो कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, ठीक है। नाउ वी गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन, ये मैं आर एस अग्रवाल से ही आपको सब करा रहा हूँ, सारे डिफरेंट एंड अच्छे वाले क्वेश्चंस। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी सच दैट, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही मैं कल आपको रेफर कर रहा था। देखिएगा, हमने ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन बना ली, दिस इज माइनस टू माइनस टू एंड बी इज टू माइनस फोर। अब ध्यान से देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी such that AP is 2, AP is 3 by 7 of AB। ध्यान दीजिएगा, जो P point है, हमें एक P point निकालना है A और B के बीच में, and P lies on the line segment AB, P A और B के बीच में कहीं पर है, और ratio क्या दिया है, AP is to AB, AP is to AB आप क्या लिखेंगे, 3 is to 7, पर क्या ये ratio सही दिया है इसने। हम लोग ने जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि ए और बी के बीच में जो हम पॉइंट निकालते हैं तो जो एम एस टू एन लिखते हैं वो क्या होता है,
पी की दूरी ए से और पी की दूरी बी से, ये होता है एम एस जो फॉर्मूले में हम लगाते हैं। तो ऑन दैट बेसिस देखिए ये गलत दिया है, क्योंकि आपको क्या दिया है, ए पी की दूरी और ए बी की दूरी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमको कौन सी दूरी चाहिए, हमको पी बी की दूरी चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया आपको, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। फॉर्मूले में जो हम रेशियो लेते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बी, और यहां दे रखा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए एंड डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी, तो वो नहीं चाहिए हमको। तो व्हाट वी विल डू इज हम क्या करें, इसको ध्यान से देखिएगा मैनिपुलेशन। एपी लिखा है, एबी को हम क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस पीबी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेंटली अगर आप करें तो 3:4 ही आएगा, लेकिन हमको वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, एपी प्लस पीबी लिखेंगे। किसको, एबी को। एबी डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस पीबी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7ap प्लस 3ap प्लस 3pb। एपी को लेफ्ट साइड लेके जाइए तो 4ap इक्वल्स टू 3pb। नाउ व्हाट वी डू गेट, एपी अपॉन पीबी कितना आ गया, 3:4, जो कि आपने मेंटली भी बता दिया था एंड इज वेरी गुड। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो रहा हो तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, और नहीं तो दिखाना बेहतर रहेगा। अगर आपके पास टाइम बहुत कम बच रहा है तो फिर डायरेक्ट लिख दीजिएगा, फिर तो कुछ चाह रही नहीं है। ठीक है, तो अब हमें सही रेशियो पता लग गया एंड दैट्स इट, फिर तो हमारे को कुछ करना ही नहीं है। तो ये रेशियो कितना आ गया हमारा, 3:4 एंड वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट एक्स वाई। नाउ अगेन अप्लाई करिए, मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं, m:n ये हो गया, x2y2 ये हो गया, x1y1 ये हो गया। बस अप्लाई करिए फॉर्मूला, क्या होगा, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, mx2, m है 3, x2 है 2, तो 3 × 2 प्लस nx1, n है ये और x1 है ये, तो यानी -2 × 4 होल अपॉन m प्लस n, 3 + 4। चेक कर लीजिए क्या वैल्यू आएगी, 6 - 8/7 यानी -2/7। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी, अप्लाई कीजिए my2, m 3 है, y2 -4 है, तो 3 × -4 प्लस ny1 यानी 4 × -2 होल अपॉन 3 + 4, तो क्या आएगा, माइनस का 12 एंड माइनस का 8 अपॉन 7 विच इज -20/7। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ गए, -2/7 एंड -20/7, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रैक्शन में आ रहे हैं या क्या आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है। हाँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, रेशियो अगर वो जानबूझ के ऐसे देना तो उसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए कि उसने सही रेशियो दिया है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा इसको देखिएगा, पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ध्यान से देखिए, बेटा म्यूट हो जाइए, पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रही है। देखिए, पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू, एक पी क्यू लाइन सेगमेंट बना लीजिए रफ, बहुत जल्दी, ये P हो गया, ये Q हो गया, एंड पॉइंट ए लाइज ऑन दैट लाइन सेगमेंट, पॉइंट ए उस लाइन सेगमेंट पर है, एंड P के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 - 6 और Q के हैं -4 - 1। ठीक है, इन सच अ वे दैट, देखिए फिर से उसने आपको रेशियो दिया, पी ए इज टू पी क्यू इज 2:5। नाउ ऑब्वियसली यू आर फाइंडिंग दैट दिस इज रॉन्ग, पी ए इज टू ए क्यू पता होना चाहिए मुझे, पी ए इज टू ए क्यू पता होना चाहिए मुझे। तो अगर मेंटली आप करोगे तो 2:3 है, 5 - 2, लेकिन आप करोगे कैसे, पी ए अपॉन पी क्यू को क्या लिख दोगे आप, पी ए प्लस ए क्यू इज 2:5। जल्दी से कर लीजिए, 5 PA इज 2 PA प्लस 2 AQ, पी ए को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 3 AP या पी ए इक्वल्स टू 2 AQ, तो फिर पी ए अपॉन ए क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो ये रेशियो पहले तो मैंने सही करा, रेशियो सही हो गया, तो रेशियो आ गया 2:3। नाउ कैन वी फाइंड द पॉइंट ए, अब तो ए निकल जाएगा एक्स वाई, तो ए का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा के, एंड द फॉर्मूला सेज, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, mx2 nx1 upon m + n, (my2 + ny1 upon m + n). अब बस डिफरेंट कलर से मैंशन कर देता हूँ, m is to n
एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, एक ही लाइन में हमने सब मेंशन कर दिया। अब जल्दी से x निकालते हैं, x क्या होगा, m x2, 2 इंटू माइनस फोर, 2 इंटू माइनस फोर प्लस n x1, n है 3, x1 है 6, 3 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, m प्लस n कितना है 2 प्लस 3, 5, तो वैल्यू क्या आएगी 18 माइनस 8, 10, 10 बाय 5 इज 2। y के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, m x2, सॉरी m y2, तो m है 2 और y2 है माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 प्लस एन वाई वन यानी 3 इंटू माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इज 5। सॉल्व करिए माइनस 2 और माइनस 18, माइनस 20 बाय 5 विच इज माइनस 4, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ गए 2 कॉमा माइनस 4। तो ही सेज, ये हमारा पॉइंट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ए निकलने के बाद क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट ए लाइज ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन दिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नाइन्थ में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स, तो ये अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है तो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स से बनी होगी, उनमें से एक पॉइंट क्या है ए है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 कॉमर माइनस 4, 2 कॉमर माइनस 4 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट उस लाइन पर है। तो मैं बस क्या कर दूं, ये कोऑर्डिनेट्स ए वुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन, और लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है 3x प्लस k टाइम्स y प्लस 1 इज 0, तो बस ये कोऑर्डिनेट्स हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दें मतलब x की जगह 2 रख दें और y की जगह माइनस 4 रख दें, तो राइट साइड क्या मिलना चाहिए 0। तो व्हाट वी डू इज 3 इंटू 2 प्लस के टाइम्स वाई की जगह माइनस 4 प्लस 1 शुड गिव मी 0। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे k मिल जाएगा, दिस इज माइनस 3 के इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k कितना आ गया 2। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, सबको समझ में आया ये वाला, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि हाँ ओके, तो अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, कभी भी वो आपसे ये कहे ना कि ये पॉइंट इस लाइन पर है, द लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, द लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट और द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, मैं लिख दे रहा हूं पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन लिखे या और लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, ये दोनों ही स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आपको दिख जाए तो बस आपको क्या करना है वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देना है, और सेटिस्फाई का मतलब होता है x की वैल्यू रख दीजिए, y की रख दीजिए, इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, बस। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉइंट्स पी क्यू आर इन ऑर्डर, नाउ क्लास इन ऑर्डर का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में इन्होंने लिखा है उसी ऑर्डर में आप लिखेंगे, उसके ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे। आर डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन फोर इक्वल पार्ट्स, देखिए आ गया ये क्वेश्चन जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, तो सपोज ये आपका एक लाइन है विच इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए 5 माइनस 2 एंड ए इज 1 6 एंड दिस लाइन इज बीइंग डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट्स P, Q एंड R इन द सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में उन्होंने बोला उसी ऑर्डर में हमने लिखा है, इन टू फोर इक्वल पार्ट्स, नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q, R, आई गेस ये आपके लिए बहुत ट्रिवियल सवाल हो गया अब ये, तो व्हाट इज द रेशियो फॉर P, अगर ये A है ये A है ये A है ये A है तो P का जब आप रेशियो निकालोगे तो 1:3 आ जाएगा, क्योंकि 1:3 पार्ट्स हो जाएगा, P से B की दूरी 3 पार्ट्स है, क्योंकि क्या रेशियो होगा 2:2 विच इज सेम एज 1:1 एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मिड पॉइंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मिड पॉइंट, और आर के लिए आप यूज करेंगे 3:1 क्योंकि 3:1 आप यूज करोगे। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो बाकी कोऑर्डिनेट्स फिर आपके लिए रिडंडेंट हो जाते हैं, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, जब हम पी निकालेंगे तो क्यू आर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, जब क्यू निकालेंगे तो पी और आर नहीं हमारे लिए कोई मायने रखता, और जब आर निकालेंगे तो पी क्यू हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा ये तो आप निकाल लोगे पी और क्यू, आई विल फाइंड आउट मिड पॉइंट, क्योंकि अभी मिड पॉइंट के हमने एक और क्वेश्चन नहीं करे, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ठीक है ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला था, ठीक है।
तो हमने इसमें फटाफट नाम दे दिए, दिस इज एक्स वन वाई वन, दिस इज एक्स टू वाई टू एंड दिस इज, अच्छा रेशियो क्या हो जाएगा, एम इज टू एन ये भी है, एम इज टू एन ये भी है, एम इज टू एन ये भी है, ठीक है। तो मिड पॉइंट जब हम निकालेंगे तो रेशियो वन इज टू वन है, तो हमारा फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, तो अप्लाई कर दीजिए, वन प्लस फाइव, एक्स वन ये है, एक्स टू ये है, वन प्लस फाइव बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, सिक्स प्लस माइनस टू बाई टू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो स्ट्रेट अवे आपके ऐसे ही आ जाएंगे, जैसे सिक्स बाई टू इज थ्री एंड सिक्स माइनस टू इज फोर, फोर बाई टू इज टू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो ये आ गए। अब जरा जल्दी से क्विकली विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला फटाफट हम पी निकालते हैं, देखें आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि नहीं। पी के लिए क्या करूंगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, तो स्ट्रेट क्या लिखूंगा, वन इंटू फाइव, थ्री इंटू वन बाय वन प्लस थ्री। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज इफ यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पेपर तो आप जल्दी से आंसर तो एटलीस्ट सही निकाल दोगे। तो पी के कॉर्डिनेट्स में ये तो एक्स का हो गया, वाई का क्या होगा, वन इंटू माइनस टू एंड थ्री इंटू, वन इंटू माइनस टू थ्री इंटू सिक्स अपॉन वन प्लस थ्री, चेक कर लीजिए आंसर, ये कितना होगा, फाइव प्लस थ्री एट, एट बाय फोर टू एंड दिस इज माइनस टू और एटीन, सिक्सटीन बाय फोर, तो दिस इज फोर, तो आपके पी के कॉर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, टू कॉमर फोर। तो ये क्विक मेथड है कि बाई चांस आपको फॉर्मूला वॉर्मूला लिखने का समय नहीं मिल रहा है तो आप फटाफट आंसर जरूर सही निकाल दीजिए, एटलीस्ट उसके मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड आर, तो आर भी निकाल ही देते हैं, कंप्लीट ही कर दें क्वेश्चन। आर क्या होगा, डायरेक्ट करें तो आर के लिए थ्री टू वन है, तो एम एक्स टू थ्री इंटू फाइव प्लस वन इंटू वन होल डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स थ्री इंटू माइनस टू, थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन इंटू सिक्स होल डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन। संकेत बहुत लेट आए, ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, फिफ्टीन एंड वन सिक्सटीन बाय फोर एंड दिस गिव्स यू माइनस सिक्स और प्लस सिक्स जीरो बाय फोर, तो आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए फोर कॉमा जीरो, तो आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, आर के, पी के और क्यू के। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक ठीक ठीक। आप ये देखेंगे कि पूरा चैप्टर में, एंड आई मीन दिस कि पूरा चैप्टर सिर्फ इस फॉर्मूले से खत्म होगा, दूसरा फॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस एक सेंट्रोइड का होगा बस, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट, अब ये ध्यान दीजिएगा, अब आप कहेंगे तो ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है कर चुके हैं, थोड़ा सा वेरिएशन है, ये पॉइंट है, जल्दी से करते हैं, दिस इज ए थ्री कॉमा माइनस फोर, बी इज वन कॉमा टू एंड इट इज बीइंग ट्राइसेक्टेड, ट्राइसेक्टेड मतलब तीन इक्वल भाग में करा गया है एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू, दिस टाइम उन्होंने पी ओ क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, पी माइनस टू एंड फाइव बाय थ्री क्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, तो करना तो हमको वही है, पी के लिए रेशियो क्या यूज करूंगा, वन इज टू टू एंड क्यू के लिए क्या करूंगा, टू इज टू वन। अब थोड़ा सा अकलमंदी लगाइए, हम पूरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमको पी निकालना है तो खाली हम एक्स कोऑर्डिनेट लगाएंगे, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, एम एक्स टू एन एक्स वन, तो क्या आएगा, वन इंटू वन प्लस टू इंटू थ्री होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टू, ये कितना आ जाएगा आपका, सिक्स सेवन, सेवन बाय थ्री। और क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फॉर क्यू यहां पे इसमें इस सेकंड वाले में हम वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, ये रेशियो लूंगा, आई यूज अ डिफरेंट कलर, ये देखिए, तो क्या लेंगे आप, एम वाई टू प्लस एन वाई वन, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, टू इंटू टू प्लस वन इंटू माइनस फोर होल डिवाइडेड बाय टू प्लस वन, तो चेक करिए, फोर माइनस फोर तो जीरो हो गया, जीरो पॉइंट थ्री इज जीरो, तो क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो और पी की वैल्यू क्या है, सेवन बाई थ्री। तो इसमें आपको पूरा वर्क नहीं करना है, आपको सिंपली बस थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होना है, जो कह रहा है बस वही वैल्यूज निकालेंगे आप, सारी वैल्यूज नहीं निकालेंगे।